फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट डिश है जो हम दिखाएंगे आप लोगों को, पूरा देख। फ्रेंड्स स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ और हमारे ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी जो हमने आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों दिखाएंगे हम आप लोगों को, वीडियो बने रहे। सो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने लौकी को कद्दूकस से काट लिया है। काटने के बाद मैंने उसको अच्छे से निचोड़ना है। निचोड़ने के बाद दोस्तों उसको अलग करके एक प्लेट में रख लेना है। सो सारा मतलब जितना भी लौकी है सब रख लेंगे हम एक प्लेट में। प्लेट में रखने के बाद उसमें जितना भी मसाला होता है सो जो हम यूज़ करते हैं घर में डेली यूज़ के लिए, वो हम उन सब्जियों में मिला देंगे। ठीक है गाइस, इसमें मिला देंगे। मिलाने के बाद हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो अपना प्याज हो गया, अदरक हो गया, लहसुन का पेस्ट हो गया, सारा कुछ जैसे हम सब्जी बनाते हैं वो सारा कुछ हम ले लेंगे और उसको ब्लेंडर कर लेंगे। ब्लेंडर करने के बाद एक प्लेट में रख लेंगे। अब थोड़ा सा बेसन लेंगे और बेसन लेने के बाद दोस्तों उसी में मिक्स कर देंगे जो हमारा निचोया हुआ लौकी है। उसमें फिर थोड़ा थोड़ा सा मसाला सारा डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा मतलब डालेंगे, ज़्यादा नहीं, अपने स्वाद के अनुसार हल्का डालना है पकौड़ियों के लिए। तो उसमें जो अभी तुम्हारे घर में यूज होता है ना वो वाला हम मसाला डालेंगे, जो भी तुम्हारे घर में मतलब अपने घर पे यूज होता है तो वही हम डालेंगे और अलग से कुछ नहीं होता है। जो मार्केट में बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, नमक भी अपने स्वाद के अनुसार ही हम डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सारा कुछ हम डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा नमक भी डालेंगे स्वाद के लिए और अच्छे से जैसे मिक्स कर देंगे फिर कढ़ाई को तेल कढ़ाई जो है गैस पे रख देंगे। गैस पे रखने के बाद हम उनको गोले बना के, सो फ्रेंड देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हाथ की सहायता लेके गोल गोल से पकौड़ियाँ बना लेनी है। पकौड़ियाँ बनाने के बाद उसको तेल में डालना है और बहुत ही आराम आराम से उनको पकाना है, उनको बार बार नहीं चलाना है। जैसे ही ब्राउन हो जाए तब पलटना है उनको कलछुन या चिमचे की सहायता से। तो देख सकते हैं बहुत ही आराम से इससे हम पलट रहे हैं और जैसे ये पूरा ब्राउन हो जाता है हर एक एक आराम आराम से पलटेंगे। ब्राउन होने के बाद दोस्तों थोड़ी सी हल्की हल्की स्टीम मतलब आँच जो है ना कम करके ही पकाना है, ज़्यादा तेज़ में नहीं पकाना है। पहले शुरुआत में तेज़ कर देना है फिर लास्ट में थोड़ा आराम आराम से पकाना है गाइस। तो देख सकते हैं बहुत ही यम्मी दिख रहे हैं और अभी हम पका रहे हैं तो दिखाएंगे ही। तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत करिएगा, वरना जो हम डिश लेके आए आप लोगों के लिए वो अगर काट देंगे आप वीडियो को तो मिस हो जाएगी। इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो को, पूरा वॉच करिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगी हमारी वीडियो। तो उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं पक गए हैं पूरी तरीके से और अभी हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इसको प्लेट में निकालने के बाद उसको अलग रख देंगे। फिर जैसे ही इसको आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा प्यारा सा दिख रहा है, मतलब बहुत ही यम्मी यम्मी सी सब्जी दिख रही है। और फिर उसके बाद हम अपना तड़का जो भी काट के रखे हुए हैं उसको कढ़ाई तेल में डालेंगे। तो पहले हम अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च वगैरह डाल के हल्का सा ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है फिर उसके बाद हम अपना जैसे टमाटर प्याज जो भी है वो डाल देंगे। जैसे जैसे वो मतलब हल्का सा प्याज ब्राउन होगा, प्याज ब्राउन होने के बाद दोस्तों फिर हम उसमें ना टमाटर ऐड करेंगे, पर थोड़ा रुक के करेंगे क्योंकि प्याज थोड़ा ब्राउन होने में टाइम लगता है। तो जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन होता है फिर हम उसमें डालेंगे गाइस। तो देख सकते हैं अभी हमारा प्याज जो है पक रहा है और उसमें अब हम टमाटर का जो पेस्ट है वो हम डाल दिए हैं। तो देख सकते हैं उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया है और डालने के बाद दोस्तों उसको बड़े ही आराम से कलछन या चिमचे की सहायता से हम चलाएँगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए तेल में और अच्छे से पक जाए। और जैसे ही हमारा तड़का ब्राउन हो जाएगा ना दोस्तों फिर उसमें हम देखते हैं बड़ा ही प्यारा सा कलर आ गया है। और प्यारा सा कलर आने के बाद थोड़ा सा हम पानी लेंगे जो हम घर में यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी नमक तो पहले ही डाल देते हैं फिर इसमें पानी डाल देते हैं। देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया क्योंकि अपना जितना खाना है ना उतनी तरीके हिसाब से अपना पानी डालना है कि तुमने कितना खाना है कितना नहीं खाना है, तो पानी ज़्यादा मत डालिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं पानी पड़ गया है और अभी पकौड़ियाँ वाला जो अपना तरी है ना तरी तैयार हो रही है। और जैसे ही हमारी तरी तैयार हो जाएगी ना गाढ़ी गाढ़ी सी फिर अब इसमें हम डाल देंगे। पर जैसे तरी हमारी तैयार हो जाएगी तब पहले नहीं डालना है, वही उतारने से 5 मिनट बाद डालना है। तो दोस्तों उसको पहले नहीं डालना क्योंकि गल जाएंगे, इसीलिए अब हम उतारने का टाइम हो रहा है ना इसको तो अब डाल रहे हैं। और 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, 2 मिनट के लिए पकाएंगे इसको दोस्तों। और जैसे ही इसका मतलब उबाल आ जाए पानी जो पड़ा हुआ है हमारा तरी, उबाल आने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट दिख रही है। तो गाइस ये कोफ्ता है, लौकी का कोफ्ता। तो आप लोग अभी सोच रहे हो क्या है क्या नहीं है, तो ये लौकी का कोफ्ता है दोस्तों। और देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा कलर आया हुआ है।
और हमने गैस को बंद कर दिया है क्योंकि दो मिनट से ज़्यादा नहीं पकाना होता ना, वरना ये गल जाता है। अभी दो मिनट हो गया है और हम इसको भी गैस बंद कर दिए हैं। दोस्तों तो आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट।